पर घुड़दार इस खेल के रेफरी हम हैं, हमसे बचकर निकल नहीं पाओगे, क्योंकि कानून के हाथ मुजरिम की सोच से भी लंबे होते हैं। जब जब जुर्म का साया जनता पर मंडराएगा, जब जब तब तक एक खाकी वर्दी वाला ढाल बनकर उन्हें बचाएगा। अरे यार बता, जब जब खाकी वर्दी वाला जब जब जुर्म खाकी वर्दी वाला तब तक एक खाकी तब तब खाकी वर्दी वाला। अरे क्या लाइन थी यार? अरे खाकी वर्दी वाला कौन लिखता है यार? बकवास, कौन लिखता है सब? राइटर को बुलाओ अभी तुरंत। अरे यार कुणाल, राइटर थोड़े ही है यहाँ, अरे कम लोगों में शूट करना है। ये क्या बकवास है, राइटर नहीं है, स्पॉट बॉय भी एक ही है, मतलब एक्टर की कोई कदर ही नहीं है। अरे कदर क्यों नहीं है, है? बिल्कुल कदर है। देखो तुम्हारे कहने पे हमने सीन चेंज किया है, कितना अच्छा शॉट दे रहे थे यार। सुनो जल्दी खत्म करते हैं, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, ब्रेक लेते हैं ब्रेक। अरे कुणाल ब्रेक, 5 मिनट का ब्रेक। हर 2 मिनट के बाद 5 मिनट का ये ब्रेक लेगा तो एपिसोड कैसे खत्म होगा यार? आप ही का खास है, आप ही समझाइए। कॉफी ले लीजिए। थैंक यू। कितना अच्छा टेक जा रहा था, यू आर अमेजिंग। क्या फर्क पड़ता है, एक्टर साहब को तो डायलॉग याद ही नहीं रहता। वाह बेटा, क्या एक्सप्रेशन दिए हैं तूने। थैंक यू अंकल। अरे नहीं बेटा, थैंक्स तो मुझको बोलना चाहिए, इन हालातों में शूटिंग के लिए तुम राजी हो गए। अरे राजेश अंकल, आप सिर्फ इस शो के प्रोड्यूसर ही थोड़ी ना है, आप मेरे पापा के अच्छे दोस्त भी हैं, इसीलिए तो मैंने इस शो के लिए हाँ बोला। अरे हाँ बेटा, वो तो है, वी आर लाइक फैमिली। बस अभी ये एपिसोड खत्म हो जाए जल्दी से। अंकल आप टेंशन मत लीजिए, एपिसोड टाइम पे खत्म हो जाएगा। अरे शॉट रेडी करो, आज एपिसोड खत्म करना है। अरे ऑक्टोपस, अरे अस्तूजा, अरे जूस ला बाबा के लिए। देखता हूँ बेटा मैं। Sound, big, camera, rolling, and action! Hey, baba, hand up, hand up! ये बेवकूफी मत करो, बंदूक नीचे फेंको। बंदूक नीचे फेंको, ये बेवकूफी मत करो, कानून अपने हाथ में मत लो। गलत है ये। आदोन इधर आइए। कौन से थाने से हैं? सुना नहीं आप लोगों ने जनाब, कुछ पूछ रहे हैं? सर वो एक्टर है हमारे क्रू के। अच्छा, आपकी तारीफ। सर मैं शो का डायरेक्टर हूँ विशाल, मैंने ही आपको फोन किया था।
आइए सर, आइए सर, आइए। डायरेक्टर साहब, आपकी टीम के पास कोई लाल रंग की या किसी और रंग की टेप है? हाँ सर, मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपके क्रू में जितने भी इमरजेंसी वर्कर की यूनिफॉर्म में या फिर पुलिस यूनिफॉर्म में, लोगों की यूनिफॉर्म में क्रॉस साइन में एक टेप लगाइए। कहीं ऐसा ना हो हमारी फोरेंसिक टीम आ रही है, उनको भी हमारी तरह गलतफहमी हो जाए। ओके सर। आपकी शूटिंग से कोई बाहर तो नहीं गया? नहीं सर, कुछ लोग यहाँ पर हैं और बाकी रूम्स में। ग्रेट, आइए। जनाब, इसी गन से गोली चली गई थी और इस बुलेट का। जनाब, मरने वाले का नाम गौतम मखीचा था, एक्टर है, मुंबई में रहता है। शूटिंग के सिलसिले में यहाँ आया है और इस सीरियल की शूटिंग में एसआई का रोल कर रहा था। मौत तो गोली लगने की वजह से हुई है, ऐसा ही लग रहा है। किसी ने कुछ देखा? सबने देखा जनाब, शूटिंग चल रही थी, किसने नहीं देखा होगा। जनाब, सीन ये चल रहा था कि मुजरिम गौतम पर गोली चलाता है और तभी मैंने डायरेक्टर से भी बात की। डायरेक्टर का ये कहना है कि जिस गोली का इस्तेमाल हुआ वो ब्लैंक गोली थी, जो अक्सर टीवी फिल्मों में सीरियल की शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन चल गई असली गोली। कोई ना कोई तो है जिसने गोली बदली कासमी साहब। चलिए उससे मुलाकात करते हैं जिसने गोली चलाई थी। जी जनाब। साहब, मैं तो मोबाइल रिचार्ज की दुकान चलाता हूँ गोल बाजार में, और शौक के लिए थोड़ा बहुत साइड रोल कर लेता हूँ। एक्टिंग का शौक है, हमारे सामने एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। लेकिन नहीं साहब, अम्मा कसम, हमें कुछ नहीं मालूम, हम नहीं जानते थे कि वो गोली असली है। 15 लोग चश्मदीद गवाह हैं कि गोली तुमने चलाई। सच सच बताओ, वरना दूसरे तरीके से उगलवाना आता है। कसम से साहब, मैं नहीं जानता कुछ भी। डायरेक्टर साहब ने कहा था कि एक सीन है और गोली चलानी, हमने अपने मर्द से कुछ नहीं किया, हमारा विश्वास कीजिए साहब। अच्छा ठीक है, ठीक है। एक बात बताओ, तुम लखनऊ के रहने वाले हो ना, ये मुंबई के सीरियल में काम कैसे मिला? हमारा एक दोस्त इसी सीरियल में काम करता है, वही दिलवाया था हमको ये रोल। दोस्त? आजमी साहब। जी जनाब। जरा इनकी अच्छे से डिटेल लीजिए और पता करिए इनके मेहरबान दोस्त के बारे में। जी जनाब। मिस्टर बबलू शर्मा, ये काम है तुम्हारा? जी सर, मैं टीवी और फिल्मों में फाइटिंग और एक्शन का सामान सप्लाई करता हूँ। अच्छा, ये सब असली है? बंदूक असली होती है सर, कभी कदार प्लास्टिक की भी होती है। और गोलियाँ? गोलियाँ नकली होती है सर, मेरे पास तो असली गोली है भी नहीं सर, आप चेक कर सकते हैं। मेरे 15 साल का करियर बर्बाद हो जाएगा सर, आप ढूंढिए उसे जिसने भी ये सब किया है, मुझे तो आप कोई भी काम नहीं देगा सर। जनाब, एक्टर तो इनको होना चाहिए था। मतलब सर? मतलब ये कि तुम नौटंकी कर रहे हो, बंदूक तुम्हारी, गोलियां तुम्हारी, गोली चलाने वाला आदमी तुम्हारा, ज्योति, ज्योति नाम है ना उसका, तुम्हारा दोस्त, तुम ही ने उसको काम दिलाया था ना। हमारे सामने नौटंकी करना बंद करो, चुपचाप कबूल कर लो कि तुमने गोलियां बदली थी। सर, सुबह से तो मेरे पास बंदूक थी भी नहीं। दरअसल एक्टर लोग ऐसे ही बंदूक रखते हैं जैसे आपने रखा है, वैसे तो बंदूक खाली होती है सर, लेकिन मुझे ये पता था सर कि आज ये सीन होने वाला है, इसीलिए मैंने सुबह 2 खाली गोली उसमें मैंने डाल दी थी सर। उसके बाद से हादसा होने तक वो बंदूक एक्टर के ही पास में थी। अच्छा, ये किस काम आता है? सर, इसको फाइटिंग सीन में पीछे बांधते हैं, उसके बाद जम करते हैं सर। जी, मैं राजेश जेठमलानी इस सीरियल का प्रोड्यूसर हूँ। अच्छा, तो चोरों की तरह क्या छुपकर सुन रहे थे आप? नहीं, वो चोरों की तरह नहीं,
सर जी, मैं जानना चाह रहा था कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है। आपको तो हमसे ज़्यादा जल्दी लग रही है। नहीं नहीं नहीं, जो हुआ उसका मुझे दुख है, पर सर जी ये सीरियल अगर बंद हो गया तो मेरा बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा सर जी। आपको अपने पैसों की चिंता है, लेकिन किसी की जान गई है उसका जरा भी अफसोस नहीं? जी नहीं सर जी, मुझको अफसोस है, आई एम ऑल्सो फीलिंग बैड सर, पर सर जी इसीलिए तो कह रहा हूँ कि जल्दी से पता लगाइए कि किसने किया है ये, वरना ये मामला जितना लंबा खींचेगा हम सबका प्रॉब्लम उतना ही बढ़ जाएगा सर जी। देखिए, पुलिस के काम में जल्दबाजी नहीं करते राजेश जी, एक छोटी सी भूल किसी भी बेगुनाह को सजा हो सकती है और गुनहगार हमेशा अकेले आजाद, यही बोलना चाह रहे थे ना आप मिस्टर? एसएचओ क्रांति मिश्रा नाम है हमारा, आपकी तारीफ। एसएचओ प्रशांत उर्फ कुणाल वर्मा, इस शो का लीड एक्टर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपके मन की बात कैसे पढ़ ली। मैं एक मेथड एक्टर, किरदार में पूरी तरह से घुस जाता हूँ। 200 से ज्यादा एपिसोड कर चुका हूँ, वो भी लीड। अच्छा, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आप सब यहीं रहेंगे, और जब भी जरूरत पड़ी तो आप सबको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। सही कहा ना मैंने सर? बहुत सही। जरा मास्क नीचे करी। लगते तो हैं आप हीरो। जनाब, टोटल 13 लोग यहाँ शूटिंग के लिए रुके हुए हैं जो कि बॉम्बे से आए थे। जनाब, पूरा होटल ही इन लोगों ने बुक कर रखा है, कोई भी यहाँ बाहर का नहीं आया। ये बबलू और ज्योति तो लोकल आर्टिस्ट है ना? जी जनाब, ये दोनों ही लोकल आर्टिस्ट हैं। जनाब, इन हालात में ज्यादातर लोकल आर्टिस्टों का इस्तेमाल कर लिया जाता है, जिससे कम से कम लोगों का शहर से बाहर जाना हो। इन दोनों का कोई कनेक्शन है गौतम से? नहीं जनाब, ऐसा कोई खास कनेक्शन नहीं है, ये लोग पहली बार मिले थे गौतम से। गौतम के परिवार वाले? जनाब, गौतम की शादी नहीं हुई थी अभी, उसके परिवार में सिर्फ एक माँ ही है, उनको भी खबर भिजवा दी है। हाथ ऊपर, ये बेवकूफी मत करो, बंदूक नीचे फेंको, कानून अपने हाथ में मत लो। गलत है ये जनाब, इसमें तो इतना ही सीन है, ऐसे तो कुछ भी पता करना बहुत मुश्किल हो जाएगा जनाब। आजमी साहब, इसमें जो गोली चला रहा है वो तो हमें दिख रहा है, लेकिन हमें ढूंढना उसे जिसने गोली बदली। इस चिल्लाने की आवाज किसकी थी? दिव्या जी। जी, हम क्रांति मिश्रा, दिव्या जी इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। आपकी हालत देख के दुख हो रहा है, लेकिन आपसे कुछ पूछताछ करनी है। गौतम को कब से जानती हैं? सर, सीधे पूछ लीजिए ना, मुझे पता है लोगों ने मेरे बारे में आपसे क्या बोला है। यही कि मैं उसके कमरे में जाती थी रात में, हमारे बीच में कुछ चल रहा है ना? लोगों ने तो यही बोला है, लेकिन हम पुलिस वाले हर किसी की बात पर भरोसा नहीं करते। आपके मुँह से सुनना चाहते हैं, गौतम से आपका क्या रिश्ता था? सर, वो मेरा दोस्त था, इकलौता दोस्त। आपको पता है हमारे इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा कमी किसकी होती है? एक दोस्त की। गौतम बहुत अच्छा था, वो दिल का बहुत साफ था। उसकी किसी से दुश्मनी या फिर कुछ झगड़ा? नहीं सर, गौतम तो बहुत अच्छा था, किसी से कभी भी कोई अनबन नहीं हुई, सब उसे पसंद करते थे, लेकिन हो सकता है कोई उससे इसी कारण जलता हो। आपकी क्रू में ऐसा कोई मौजूद है? है ना सर, हमारे शो का लीड एक्टर कुणाल वर्मा, इतना अच्छा टेक जा रहा था, ही वाज अमेजिंग। क्या फर्क पड़ता है, एक्टर साहब को तो डायलॉग याद ही नहीं रहता। बस कुछ टाइम की बात है, वो बाहर और तुम लीड एक्टर। अभी ये बात किसी को पता नहीं है। हीरो बनने के बाद भूल तो नहीं जाओगे? नेवर, उसके बाद तो मेरा मेकअप तुम ही करोगी। कुणाल को शो से क्यों निकाल रहे थे?
सर उसको ये शो अपने ससुर की वजह से मिला था। एक अमीर घर में शादी क्या हो गई, उसकी तो पूरी किस्मत ही बदल गई। एक सो कॉल्ड स्ट्रगलर से हीरो बन गया था। फिर क्या था सर, सेट पर लेट आना, लोगों से बदतमीजी से बात करना। कितने डायरेक्टर थे जिन्होंने एपिसोड छोड़ दिया उसके चक्कर में। और ये फैसला किसका? राजेश जी का। उन्होंने गौतम से कहा था कि वो उसको लीड रोल देंगे। गौतम कितना खुश था सर। सब गड़बड़ हो गया। संभालिए अपने आप को। थैंक यू सो मच दिव्या जी फॉर द इन्फॉर्मेशन। पहला सस्पेक्ट तो ज्योति ही है। फिर बबलू। और फिर ये कुणाल। तीनों के अलावा कोई और है जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा। कौन हो सकता है? जनाब मैंने पता किया है, ये बबलू और ज्योति दोनों का बैकग्राउंड एकदम साफ है। दोनों में से किसी का भी कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। आजमी साहब, ये बबलू और ज्योति ने तो खून नहीं किया। या तो वो दोनों सच बोल रहे हैं या फिर उनके कंधे पे बंदूक रख के किसी ने गोली चलाई है। हो सकता है जनाब। अच्छा, गेस्ट हाउस में कुछ मिला? जी जनाब, मैंने हर फ्लोर पे जाके सबके कमरे में चेक किया। वही रोजमर्रा की चीजें जनाब, दवाई, कागज पत्तर, यही सब है जनाब। दवाई किस चीज की? जनाब पेट खराब की दवाई, कब्ज की दवाई। ये गौतम जहाँ रहता था वहाँ पे लोकल थानों में पूछा आपने? जी जनाब, लोकल पुलिस गई थी पता करने के लिए। जनाब जब पुलिस गई थी तो उसने पड़ोसियों से, उनके परिवार वालों से और रिश्तेदारों से पूछताछ की। और जनाब मैंने भी यहाँ गेस्ट हाउस में सभी लोगों से पूछताछ की। जनाब सबसे अच्छा व्यवहार था इसका, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। कुछ ज़्यादा ही अच्छा इंसान है। उसकी बैंक स्टेटमेंट को देख के लग रहा है कि उसके पास पैसे नहीं थे। जनाब इन हालातों में पिछले 3 महीने से शूटिंग बंद थी, इस वजह से इसके अकाउंट का यह हाल है। वैसे काजमी साहब, जितनी अच्छाई हमने इस गौतम की सुनी है उतनी बुराई उसके को-एक्टर कुणाल की। जनाब ये बात तो है, इस कुणाल से सभी परेशान हैं। और इस कुणाल की बैंक स्टेटमेंट को देख के लग रहा है कि इसकी जिंदगी भी इसके अकाउंट की तरह हरी भरी थी। जनाब मैंने तो ये सुना है कि इसका जो कुछ भी है सब इसकी बीवी का है। हमने भी सुनी है बात। जनाब इस कुणाल की हाजिरी लगवा लें? नहीं नहीं अभी रहने, थोड़ी और पुष्टि कर लेते हैं काजमी साहब। हेलो। हेलो सर, मैं उज्जवल दुबे, गौतम मखीजा का लॉयर। आपने बिल्कुल सही कहा था राजेश जी, आपका कहना था कि केस जल्दी सॉल्व होना चाहिए। बस आप ही के रास्ते में बढ़ गए हम, केस जल्दी सॉल्व होना ही चाहिए। अरे सर जी ये हुई ना बात, अरे मैं तो आपको देखते ही समझ गया था कि आप बोलने वाले नहीं करने वाले आदमी हो, मैन ऑफ एक्शन। इतने बड़े प्रोड्यूसर से तारीफ सुन रहे हैं हम, हमारी आत्मा ही तृप्त हो गई। अरे सर जी आप तृप्त होने की बात कर रहे हैं? सर जी जरा इधर देखो आप। अरे सर जी बिल्कुल हीरो लगते हो आप। अरे मुंबई आओ, मैं आपको ब्रेक देता हूँ, आई विल गिव यू ब्रेक। जैसे गौतम को देने वाले थे। बताइए क्यों निकालने वाले थे कुणाल को, या फिर गौतम से झूठ बोला? नहीं सर जी दरअसल बात ये नहीं है, वो बात देखिए हमें सब मालूम है, गौतम को पुराने काम के पैसे देने थे आपको, लेकिन आपके देने की मंशा नहीं थी। गौतम के वकील से बात की है, उज्जवल जी से, उन्होंने सब सच बता दिया हमें। गौतम आप पर केस करने वाला था बकाया पेमेंट के लिए। नहीं नहीं सर जी बात ये नहीं है, दरअसल पिछले 3 महीने से जो हालात हैं उसको आप देख ही रहे हैं, और मेरा सारा पैसा इस सीरियल में लग गया था, अब ऐसे में उसको पेमेंट कहाँ से करता, आप समझो जरा। इसीलिए आपने गौतम से झूठ बोला,
कि कुणाल को निकाल के आप उसे हीरो लेने वाले हैं। नहीं 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 सर जी, ये बात नहीं है। गौतम बहुत मेहनती लड़का था और मैं उसको ब्रेक देने वाला भी था। और सर जी बात यह है कि मैंने उसके लिए शीतल से बात भी की थी, लेकिन वो शीतल शीतल मतलब कुणाल की बीवी। लेकिन शीतल से बात की थी? वो दरअसल सर जी बात यह है कि शीतल के फादर और हम बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत फैमिली टर्म्स हैं हमारे, और मैंने शीतल के कहने पर ही कुणाल को ब्रेक दिया था। तो मैंने अपनी प्रॉब्लम शीतल को बताई एंड वी डिस्कस्ड इट, और सर जी वो शीतल ने मेरी मजबूरी को समझा और उसने हाँ बोल दिया। तो आप कुणाल को निकालने वाले? जनाब अब तो मोटिव साफ है, गौतम की मौत से सबसे ज्यादा फायदा कुणाल को ही होना था, इसलिए कुणाल ने ही गौतम को मरवाया है। शायद आप सही कह रहे हैं काजमी साहब, लेकिन कुणाल को पकड़ने के लिए हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं, कानून सबूत मांगता है। जनाब एक बार फोरेंसिक रिपोर्ट आने दीजिए, हमारे हाथ सबूत भी होगा और मुजरिम भी। काश आपकी बात सच हो। पुलिस को लगता है कि ये सब कुणाल ने किया है। मुझसे पूछ रहे थे कि कुणाल को शो से क्यों निकाल रहा था। ओके ठीक है, मैं फोन काटता हूँ तुम्हें। ओके देखते हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट का क्या हुआ काजमी साहब? जनाब डॉक्टर शिखा ने कहा था कि वो मेल कर देंगी। फोन लगाइए उनको। जी हेलो डॉक्टर शिखा, गुड मॉर्निंग, क्रांति मिश्रा बोल रहे हैं, आपसे रिपोर्ट के सिलसिले में कुछ बात करनी थी। वेल मैं आपको बताना चाहूंगी कि मौत तो गोली लगने से हुई है, बॉडी पे कोई अनयूजुअल निशान या और कुछ नहीं मिला। और ब्लड रिपोर्ट्स? टॉक्सिकोलॉजी तो नेगेटिव है, कोई जहर नहीं मिला, लेकिन जब हमने ये गोली बॉडी से निकाली तो हमें घाव के आसपास कुछ एलर्जिक रिएक्शन के साइन दिखे। गोली से बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन? गोली के ऊपर और शेल केसिंग में हमें एक पदार्थ मिला है जिसकी वजह से ये रिएक्शन हुआ है। और हाँ, यही सेम पदार्थ हमें रिवॉल्वर की बॉडी और बुलेट चेंबर में भी मिला। अच्छा डॉक्टर शिखा, ये चैम्बर में दूसरी गोली थी उसमें भी यही पदार्थ लगा हुआ है? नहीं नहीं, दूसरी गोली तो क्लीन थी। इसका मतलब ये दोनों गोलियाँ अलग अलग जगह से लाई गई थी? बिल्कुल, जहाँ पर ये गोली रखी थी वहीं से इस पे ये पदार्थ भी लगा। डॉक्टर शिखा फिंगरप्रिंट्स? गन पे गौतम, बबलू और ज्योति के प्रिंट्स मिले हैं। और कुणाल के? नहीं, इन तीनों के अलावा और किसी के प्रिंट्स नहीं है, पर हाँ जो ब्लैंक गोली थी उस पे सिर्फ बबलू के प्रिंट्स मिले हैं। अच्छा डॉक्टर शिखा आप ये बता सकते हैं ये पदार्थ है क्या? देखिए अभी हम लैब में एनालाइज कर रहे हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा। जी डॉक्टर शिखा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जनाब कुणाल के फिंगरप्रिंट्स मिले नहीं, तब तो साफ है ये सब कुछ ज्योति या बबलू में से किसी का करा धरा है। नहीं गाजमी साहब, ये निशान होना ही उनकी बेगुनाही का सबूत है, अगर बबलू और ज्योति ने किया होता तो वो अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा देते। ये दोनों गोलियां अलग अलग समय पर डाली गई हैं और शायद दो अलग अलग इंसानों ने डाली। जनाब वो कैसे? चलिए आपको दिखाते हैं कैसे। काजमी साहब ये बंदूक के चैम्बर में से दोनों गोलियां निकालिए आप खुद और दोनों गोलियां डालिए। जनाब कुछ समझ आएगा आदमी साहब? नहीं जनाब। आपने इन चैम्बर में से दोनों गोलियां निकाली डाली लेकिन आपके फिंगरप्रिंट्स इसमें नहीं आए होंगे क्योंकि आपने ग्लव्स पहने हैं, और अधिकतर अपराधी यही करते हैं, कोई भी अपराध करने से पहले ग्लव्स पहन लेते हैं ताकि उनके हाथों के निशान फिंगरप्रिंट्स नहीं आए। और आजकल ये आम बात है, सभी लोग ग्लव्स में घूम रहे हैं, लेकिन इस केस में बबलू के फिंगरप्रिंट्स उस गोली में मौजूद हैं। जनाब इसका मतलब उसने बिना ग्लव्स पहने गोलियां भरी हैं। काजमी साहब हमें ढूंढना उसे है जिसकी उंगलियों पर निशान उस दूसरी गोली पे नहीं है जिसमें पदार्थ था। कौन हो सकता है वो? कुणाल या फिर कोई और? अब ये सब बंद करो दिव्या, क्या उल्टी की तुमने पुलिस के सामने? तुम्हें किसने बताया? हा? सुधर जाओ और ना मैं सुधार दूंगा तुम्हें, जिंदगी भर झूठ नहीं बोलोगे फिर तुम। मैंने सब सच कहा, ये सब तुम्हारी गलती थी, मरना तो तुम्हें चाहिए था, बड़ा जलते थे ना गौतम से, उसकी काबिलियत से। हीरो साइड एक्टर से नहीं जलते पगली, जलती तो तुम थी मुझसे, मेरा हीरो बनने का सपना पूरा हुआ और तुम हीरोइन भी नहीं बन पाई। बकवास बंद करो तुम अपनी, इसीलिए चलती थी ना तुम इतना चिपक चिपक के गौतम के साथ। कुणाल एक शब्द भी बोला ना खींच के थप्पड़ दूंगी तुम्हें। अबे ओए 200 एपिसोड से ज्यादा कर चुका हूँ, वो भी लीड, ये थप्पड़ मारने की धमकी मुझे ना देना। क्या लगता है कौन है?
पता नहीं, अभी तो मुश्किल लग रहा है। हमको तो हीरो पर ही डाउट है, वही सब किया है। तक सिनेमा नहीं देखे हैं? अरे जिस पे सबसे ज्यादा शक होता है वो ही निर्दोष होता है। तो फिर पुलिस उसके पीछे काहे पड़ी है? तो उसे फंसाया जा रहा है। कितने एपिसोड कर लिए हैं? हमारा तो पहला ही है। इसीलिए हम 800 कर चुके हैं और हर एपिसोड में यही होता है। अगर ये एपिसोड अलग निकला तो? ये भी तो हो सकता है। देखो कैसे चोर की तरह रात में भौंका रहा है। अब सही बोल रहे हैं वे। शर्त लगाओगे? चलिए लगाते हैं। हमारा 100 का कि डायरेक्टर ही है? हमारा 100 वो लड़की पे। कौन लड़की? अरे वो मेकअप वाली। अब ये लड़की कहाँ से आ गई? ये तो चीटिंग है। दद, अरे कोई भी हो सकता है। हम दोनों भी। शीतल वर्मा, आप यहाँ लखनऊ में? मैं यहाँ 2 हफ्तों से हूँ। आइए बैठिए। आजमी साहब जी। गेस्ट हाउस की लिस्ट में तो आपका नाम नहीं था। वो गेस्ट हाउस देखा है आपने? मैं यहाँ 5-स्टार होटल में रुकी हूँ। किस किस को मालूम है कि आप यहाँ हैं? ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड और राजेश जी को। उन्होंने तो हमें नहीं बताया। आपने पूछा ही नहीं। और वैसे भी लखनऊ में आना क्राइम है क्या? एनीवेज मैं खुद आ गई। शीतल जी, खून के जुर्म में आपके पति हमारे प्राइम सस्पेक्ट हैं और आप होटल में बैठी हुई थी। इसीलिए तो आई हूँ। राजेश जी ने बताया था कि आप मेरे हस्बैंड पे शक कर रहे हैं। सर मेरे पति पे शक मत कीजिए। हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है ये हमें आपसे जानने की जरूरत नहीं है। तो फिर दिव्या के बारे में तो आप जरूर जानना चाहेंगे ना? क्या मतलब? जिस लड़की के बयान पर आप मेरे हस्बैंड पे शक कर रहे हैं उस लड़की की असलियत तो जान लीजिए। दिव्या और कुणाल का अफेयर चल रहा था। क्या? कब से? 1 साल पहले इसी शो के सेट पे दोनों मिले। दोनों में बातें हुई और फिर गई। मुझे 4 महीने पहले पता चला तो मैंने कुणाल से बात की। प्लीज शीतल, प्लीज मुझसे गलती हो गई। गलती एक बार होती है और जो महीनों से चल रहा है उसे गलती नहीं आदत कहते हैं। I'm sorry शीतल, प्लीज प्लीज माफ कर दो। माय कुणाल, क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? पापा से कह के तुम्हें हीरो बनवाया, इंडस्ट्री में हैसियत दी और तुमने ये किया। सिर्फ एक चांस दे दो प्लीज। आगे से तुम जो भी बोलोगी मैं वो मान लूंगा, प्लीज। मैं बहुत गुस्सा थी पर प्यार भी बहुत करती हूँ। मैंने उसे एक चांस दिया और कुणाल सुधर गया। उसके बाद उसने दिव्या से बात तक नहीं की। पर दिव्या वो नहीं सुधरी। हीरोइन बनने के लिए पहले उसने मेरे हस्बैंड कुणाल को फंसाया और जब वहां से रास्ता नहीं बना तो उसने दूसरा मुर्गा फंसा लिया, एक न्यू अपकमिंग एक्टर। गौतम की बात कर रही हैं? जी हाँ। अच्छा एक बात बताइए शीतल जी, आपने अपने पति को शो से निकलवाने के लिए राजेश जी को मंजूरी क्यों दी? आप दोनों के बीच तो बहुत प्यार था। देखिए सर, प्यार अलग चीज है पर उस प्यार के चक्कर में मैं किसी और के बिजनेस का नुकसान नहीं करवा सकती। राजेश अंकल हमारी फैमिली की तरह है और मैं उनकी प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। इनफैक्ट उन्हीं के कहने पे मैं यहाँ पे आई। उनको डर था कि कहीं कुणाल सेट छोड़ के ना चला जाए, इससे बहुत लॉस हो जाता उनका। तो आपको अपने अंकल के लॉस की बहुत चिंता है। कल पूरा दिन कहाँ थे आप? होटल में। अपने उस होटल की डिटेल्स लिखवाई है और जब तक कहा ना जाए इस शहर छोड़ के नहीं जा सकते आप। जी। आजमी साहब, ये केस भी सास बहू के सीरियल की तरह होता जा रहा है। क्या पढ़ रहे हैं जनाब? जो एपिसोड बन रहा था उसी की कहानी है। जनाब इस डायलॉग पे जरा गौर फरमाइएगा। लिखा है, जब जब जुर्म का साया जनते पे मंडराएगा तब तब एक खाकी वर्दी वाला ढाल बनकर सामने आएगा। जी जनाब, बिल्कुल यही लिखा है। हा? जी। फिर तो स्क्रिप्ट में ये भी लिखा होगा कि खून किसने किया। नहीं जनाब, ये नहीं लिखा। सास बहू के सीरियल की तरह ये भी अहम मौके पे खत्म हो जाता है। जैसे ही मुजरिम गौतम की बंदूक छीनकर गोली चलाता है, गोली कुणाल को लगती है, कुणाल गिरता है और सीन कट। क्या? इसका मतलब आगे का सीन हमें ही लिखना पड़ेगा।
क्या है सर? क्या हुआ सर? आपकी स्क्रिप्ट के मुताबिक गोली कुणाल पे चलनी थी, ना कि गौतम पे, और दोनों के बीच में कम से कम 5 फीट का डिस्टेंस था। गलती से भी नहीं हो सकता ये। सर पहले तो वही लिखा था, लेकिन कुणाल ने ही जो है सीन को बदला दिया। ये क्या यार, मुझे क्यों लगेगी गोली? अरे तुमको सीन भेजा तो था और तुमने देखा भी था। नहीं, मैं गोली नहीं खाऊंगा। अगर हीरो को गोली लग गई, हॉस्पिटल एडमिट हो गया, तो केस कौन सॉल्व करेगा? ये तुम जो है गौतम को फोन पे इंस्ट्रक्शन दोगे और गौतम जो है केस सॉल्व करेगा। एकदम बकवास, गोली इसी को लगेगी। अरे क्या हो गया भाई? अरे राजेश जी कैसा डायरेक्टर है, हीरो को बोलना गोली खा लो। राजा जी आप ही बात कीजिए। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ क्या करना है। गौतम को गोली लगेगी और मैं मुजरिम को लात मारूंगा और उसको बांधूंगा, फिर गौतम को कंधे पे बिठा के हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। ये होगा सीन। बेटा तू टेंशन मत ले, मैं हैंडल करता हूँ। राजा जी क्या है? इसको गोली मरवा देना यार, क्या प्रॉब्लम है? गौतम बेटा तू गोली खा लेगा ना? आपके क्रू में और किस किस को मालूम थी ये बात? जी हमारे अलावा कैमरा क्रू, उसके अलावा तो सर कोई स्क्रिप्ट पढ़ता ही नहीं है। वो ज्योति जिसने गोली चलाई उसको मालूम थी? उसको सीन तो मैंने ही समझाया था। हमें एक बात समझ नहीं आ रही कि इतनी बड़ी बात आपने पुलिस वालों से छुपा के रखी है। सेट पर सर ये रोज सीन जो है चेंज होते रहते, इसमें सर कोई बड़ी बात और अजीब बात तो है नहीं। आपके सेट पे हर रोज मर्डर होता है क्या? खून हुआ है आपके सेट पे? सॉरी सर, सर एक बात बताना चाहता हूँ। आपकी जितनी बातें हैं वो सारी की सारी हमें एक बार में बता दीजिए। बोलिए। सर कल रात में वॉक में जा रहा था तो कुणाल और दिव्या जो है आपस में झगड़ा कर रहे थे। बकवास बंद करो तुम अपनी। इसीलिए चलती थी ना तुम इतना चिपक चिपक के गौतम के साथ। कुणाल एक शब्द भी बोला ना खींच के थप्पड़ दूंगी तुम्हें। अबे ओए, 200 एपिसोड से ज्यादा कर चुका हूँ, वो भी लीड। ये थप्पड़ मारने की धमकी मुझे ना देना। आजमी साहब गौतम को मारने की वजह तो किसी के पास नहीं थी, क्योंकि हमने जिससे भी बात की उसने यही कहा कि गौतम एक अच्छा इंसान था, और फिर अहम वक्त में कुणाल को लगने वाली गोली गौतम को लग जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुणाल को लगने वाली गोली का शिकार हुआ गौतम? क्योंकि कुणाल को तो मारने की वजह भी थी सबके पास। जनाब ये भी हो सकता है कि कुणाल ने ऐन मौके पर सीन बदल दिया हो, जैसे कि उसे पहले से पता हो कि चलने वाली गोली असली है। हाँ काजमी साहब, ये सच तो वही बता सकता है जिसने ये सब किया है। और जनाब एक बात और, ये गौतम पूरा दिन सेट पे ही था, किसी ने देखा नहीं कि अगर ये थोड़ी देर के लिए भी सेट से हटके कहीं गया हो। और जनाब यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी नहीं, तो ये पता कर पाना बहुत मुश्किल। हाँ काजमी साहब, सीसीटीवी कैमरास तो नहीं लगे, लेकिन वो शूटिंग कैमरा तो ऑन था ना। पता करिए कि फुटेज मिल सकती है कि नहीं। जी जनाब हम निकलवाते हैं। हम जरा कुणाल से बात करते हैं। एसएचओ सर, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। चलिए कोई बात नहीं, इससे पहले कि आप कुछ पूछे मैं खुद बता देता हूँ। हाँ दिव्या के साथ मेरा अफेयर था, पर अब मैंने उससे सब कुछ खत्म कर दिया। अब मैं एक सीधा सादा शरीफ इंसान हूँ। अब आप सोच रहे होंगे मुझे कैसे पता। 300 एपिसोड से ज्यादा पुलिस का रोल कर चुका हूँ। आजमी साहब आपको आसपास कहीं कैमरा दिख रहा है? नहीं जनाब मुझे तो नहीं दिख रहा। आपको दिख रहा है कुणाल जी? नहीं। ये तुम्हारे शूटिंग का सेट नहीं है, ये पुलिस स्टेशन का इंटरोगेशन रूम है, वहीं बैठे हो। और ये एक्शन कट के बीच में जो रीटेक का मौका मिलता है ना, वो मौका यहाँ नहीं मिलेगा। सिर्फ एक टेक देना होगा तुम्हें, और वो भी ओके, जो पूछा जाए सच सच बता दो। और कल तुम बोल रहे थे कि 200 एपिसोड की, 100 एपिसोड एक दिन में बढ़ा दिए। इतने एपिसोड करता हूँ याद थोड़ी ना रहता है। तो याद रखना तो पड़ेगा आप कुणाल बाबू। हैं बच्चों को क्या बताओगे, क्राइम शो किया था उसमें पुलिस वाले बने थे। क्योंकि ये तो तुम्हारा आखिरी एपिसोड है ना, इसके बाद तुम पुलिस वाले नहीं बनने वाले। मतलब? कासमी साहब आपने कहा था बड़े स्मार्ट इंसान है, इसको सब मालूम होगा, इसको मालूम ही नहीं कि इसको शो से निकालने वाले हैं। क्या? हाँ कुणाल बाबू आपको शो से निकाला जाने वाला है। सब बकवास है, किसने कहा? काजमी साहब लगता है इनको इनकी बीवी तक ने नहीं बताया, पूरी यूनिट में खबर है कि इनको शो से निकाला जाने वाला है और इनकी जगह किसी और को लिया जाने वाला है। किसको? गौतम। इसीलिए मारा ना तुमने गौतम को? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, प्रूफ क्या आपके पास? अरे बैठिए बैठिए। काजमी साहब इधर आइए, लगता है इनकी बीवी ने इनको परमिशन नहीं दिया हो। देखिए कुछ भी मत बोलिए इंस्पेक्टर साहब। हमने तो ये भी सुना है काजमी साहब, जब इस सेट पे आते थे ना तो लोग इनका मजाक उड़ाते थे। क्या बात कर रहे हैं, हंसते थे इन पे। देखो 4 दिन का एक्टर जा रहा है, 4 दिन का एक्टर आ रहा है। देखिए जबान संभाल के बात करिए इंस्पेक्टर साहब। नहीं काजमी साहब, जो बात गौतम में थी कुणाल में नहीं। गौतम ज्यादा टैलेंटेड था, लुक भी अच्छे थे और सेलिब्रिटी भी बड़ा था। मैं कह रहा हूँ ना बस बहुत हो गया। और फिर ये रोते हुए अपनी बीवी के पास गए होंगे गिड़गिड़ाते हुए,
और उसकी बीवी ने सब ठीक कर दिया होगा। हाँ, और ये बन गया एक्टर। ये क्या बकवास है? मैडम, बात तो सुनिए मेरी। मिस्टर कुणाल, तुम निहायत ही बेवकूफ इंसान हो, किसी के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम अपनी बीवी के पैसों पर निर्भर हो। तुम्हारी शोहरत, तुम्हारा काम तुम्हारी बीवी के पैसों पर टिका हुआ है। उसकी रहमत से बने हो तुम एक्टर, समझ रहे हो? उसके बाद तुम गिड़गिड़ाते हुए अपनी बीवी के पास गए और उससे बोला कि सब ठीक कर दो, और उसने ठीक करने की कोशिश की। बोलो क्या किया शीतल ने? क्या किया शीतल ने? हाँ, इनफ इज इनफ। और तुम कुणाल, अब एक भी शब्द मुंह से मत निकालना। और हाँ, आगे का जो भी प्रोसेस है वो हमारे लॉयर करेंगे। हाँ काश्मी साहब, बोलिए। क्या मिला काश्मी साहब? जनाब, फॉरेंसिक लैब से उस पदार्थ का मैच आ गया। और जनाब, जैसा कि आपने सही सोचा था, हमने इक्विपमेंट लिस्ट और कैमरा डिपार्टमेंट से चेक किया। उस दिन एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग होने के कारण सेट पर दो कैमरे थे। हमने एक कैमरे का फुटेज तो पहले ही चेक कर लिया था, और ये दूसरे कैमरे का भी फुटेज आ गया है। ये मिला। यार रोकी जी, काजमी साहब, वो कहते हैं ना कि कैमरे में कोई सच्चाई छुप नहीं सकती। चलिए, इन लोगों की शूटिंग जरा अच्छे से कीजिए। अब क्या हो गया? लगता है क्लाइमेक्स आ गया है, आखिरी मौका है, शर्त लगाओगे? तुम चीटिंग कर लोगे? तत्पूर्वक, हमको थोड़े ना पता है कौन मारा है। चलो ठीक है, चलिए नकली शूटिंग का खेल खत्म करके असली शूटिंग का केस सॉल्व करते हैं। वैसे तो हमें आप सब पर शक था, लेकिन सबसे ज्यादा शक कुणाल पर था, इसलिए हमने इसे थाने बुलाकर थोड़ा सा दबाव डालकर सारी हकीकत जानने की कोशिश की। लेकिन हर बार की तरह इनकी बीवी शीतल इनको संरक्षण देने के लिए वहां पहुंच जाती हैं, जिनके इशारों पर ये नाचते हैं, और हमारी बात अधूरी रह जाती। लेकिन इस वक्त हमारे पास पुख्ता सबूत है, तो आइए आपको आपके शूटिंग के तरीके से ही एक वीडियो दिखाई जाए। राजमी साहब, जरा वीडियो ऑन कीजिए। जी जनाब। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक। अरे, ब्रेक। अरे कुणाल, ब्रेक, 5 मिनट का ब्रेक। काजमी साहब, यहां पॉज कीजिए। जी जनाब। ये वीडियो फुटेज तब का है जब आपका गोली वाले सीन के जस्ट पहले एक ब्रेक हुआ था। जरा गौर से देखिए इस वीडियो को। हाँ सर, उस वक्त हम तो कैमरा टेस्ट कर रहे थे। बिल्कुल सही। इस वीडियो में आप गौतम के साथ जिसको देख रहे हैं वो है दिव्या। सर, बस हम चलते हुए बातें कर रहे थे, फिर गौतम बाथरूम चला गया था। बिल्कुल सही दिव्या जी, गौतम बाथरूम चला गया। आप लोगों की नॉलेज के लिए थोड़ा बता दें कि गौतम पुलिस की वर्दी में था। एक पुलिस वाला होने के नाते जब आपको इस यूनिफॉर्म में वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ जाए, तो इस होलिस्टर के साथ साथ ये गन भी बाहर निकाल के रखनी पड़ती है। हाँ, हर बार मैं भी यही करता हूँ। शट अप। बिल्कुल सही कुणाल, आप ऐसा ही करते हैं, और उसी का फायदा आप में से ही किसी ने उठाया। राजमी साहब, जरा वो बैग लाइए। दिव्या जी, आप ही का बैग है ना? हाँ जी सर। और ये भी आप ही का हो? जी। जरा पकड़िए इसे।
दरअसल ये वो नकली गोली है जो शूटिंग में इस्तेमाल होने वाली थी, जिसको बंदूक से दिव्या जी ने निकाला और यहाँ छुपा दिया। और इसी डब्बे में वो असली गोली थी जिसका इस्तेमाल इन्होंने गौतम को मरवाने के लिए किया, जो कि ये मुंबई से लाई। सर ये सब इसकी गलती है, मैं इसे मारना चाहती थी। मैं और कुणाल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उसने कहा था कि वो अपनी बीवी को छोड़ देगा, पर उसने ऐसा किया नहीं। उसने मेरा इस्तेमाल किया और फिर मुझे धोखा दे दी। अभी तक तो सब कुछ ठीक था कुणाल, फिर अचानक से क्या हो गया? शीतल के साथ ये नहीं कर सकता मैं। मुझसे क्या हुआ वादा भूल गए? तुमसे बहुत प्यार करती हूँ कुणाल। बकवास, प्यार व्यार कुछ नहीं है, तुम बस मेरा इस्तेमाल कर रही हो क्योंकि मैं हीरो बन गया हूँ। नहीं नहीं कुणाल, ऐसा नहीं है, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। एक बात बताओ, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे प्यार करूंगा? औकात क्या है तुम्हारी? एक स्ट्रगलर आर्टिस्ट जिसे कोई काम नहीं देता, इसलिए मेकअप आर्टिस्ट का काम शुरू कर दिया। मुझसे प्यार? इंडस्ट्री में इज्जत है मेरी। इज्जत तुम्हारी नहीं, तुम्हारी बीवी की है। हम दोनों ही स्ट्रगलर थे, पर तुमने शीतल को अपने जाल में फंसा कर उससे शादी कर ली और हीरो बन गए। जबान संभाल कर बात करो अपनी, वरना जो तेरी मेकअप शेकअप की दुकान है ना, ये सब बंद करवा दूंगा, समझी? मुझे बहुत गुस्सा आया सर, पर मैं कुछ कर नहीं सकी। मैं बदला चाहती थी। गौतम मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, उसने बताया था कि सीन में कुणाल को गोली लगने वाली। मुझे लगा इससे अच्छा मौका हो नहीं सकता, इसलिए मुंबई से मैं असली गोली लेकर आई और फिर उसे मैंने अपने मेकअप बॉक्स में छुपा लिया। उस दिन मैंने गौतम की कॉफ़ी में पेट खराब करने वाली दवा मिलाई और फिर उसे दे दी। गौतम बाथरूम गया, मैंने उसके रिवॉल्वर से नकली गोली निकाल कर असली गोली डाल दी और नकली गोली अपने बैग में रख ली। आखिर मेरा बदला पूरा होने वाला था, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। गोली गौतम पे चल गई क्योंकि कुणाल ने सुबह ही सीन बदल दिया था। जो गोली कुणाल को लगने वाली थी गौतम को लग गई। हमारी फोरेंसिक टीम को उस गोली और उस बंदूक में तुम्हारे मेकअप क्रीम के सैंपल मिले, और गौतम तो एलर्जिक था उस क्रीम से। जब हमने ये गोली बॉडी से निकाली तो हमें घाव के आसपास कुछ एलर्जिक रिएक्शन के साइन दिखे। सर मेरा यकीन करिए, मैं गौतम को नहीं मारना चाहती थी। गौतम को नहीं मारना चाहती थी, लेकिन इरादा तो खून करने का ही था ना तुम्हारा। अब अपनी बाकी की प्लानिंग जेल के सलाखों के पीछे करना। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन बुरे वक्त में कैसे संभला जाए ये आपके हाथ में। दिव्या के साथ शायद गलत हुआ, लेकिन उन परिस्थितियों से हार कर उसने गलत रास्ता इख्तियार किया। अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसा गलत होता हुआ दिखे तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें। और याद रखिए कि बुरे वक्त में सिर्फ आपका शांत मन ही आपका साथ दे सकता है। जल्दबाजी और भावनाओं के ताव में उठाया कदम अक्सर आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए संयम बनाए रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। सावधान इंडिया। जय हिंद।